आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। अक्षत कलश यात्रा का आयोजन धरगांव श्री राम मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष में अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। कलश का पूजन पंडित धीरज कोठरी के सानिध्य में श्री राम सेना प्रमुख सूरज मंडलोई, पत्नी ममता मंडलोई द्वारा किया गया। यात्रा राम मंदिर चौक से ग्राम के मुख्य मार्गों से होती हुई भवरकुआ चौराहा पहुंची। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा आतिशबाजी से स्वागत किया गया। राजपूत समाज, करणी सेना, सरदार पटेल युवा मंच, परशुराम मित्र मंडल, श्री राम सेना, जय जलदेव मित्र मंडल, श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ आदि ने स्वागत किया। यात्रा में सबल सिंह पटेल, ठाकुर भीम सिंह सोलंकी, पिंटू मंडलोई, आचार्य रणजीत सिंह मंडलोई, मनीष राणा, चेतन पाटीदार, मोनू पवार, धर्मेंद्र स्वामी नारायण, धनराज जैन, हरिकरण सिटोले, गंभीर गंगाले, नारायण पाटीदार, कैलाश पाटीदार, योगेंद्र सिंह मंडलोई आदि लोग उपस्थित थे। ग्राम में सभी को पीले चावल देकर अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में पधारने के मनोहार की गई। धरगांव के समीपस्थ ग्राम हरसंगांव में भी अक्षत कलश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा श्री राम मंदिर से अक्षत कलश यात्रा आई माता मंदिर से भवानी चौक से होते हुए ग्राम में भ्रमण करते हुए सिरवी समाज धर्मशाला में समापन किया गया। यात्रा के स्वागत में ग्राम वासियों ने मिलकर प्रसादी वितरित की। यात्रा में ग्राम के महिला मंडल, युवा संगठन, वरिष्ठ जनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। धरगांव से नीलेश जैन की रिपोर्ट।